हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? तो आज हालत ख़राब है, बारिश लगी है। सुबह दिखाती हूँ आपको मौसम, बहुत बारिश लग रही है और बारिश। और आज मुझे करनी है अपने कपड़ों की कटिंग। दो सूट है, एक मम्मी ने दिया है, एक मोनिका ने दिया है, उनकी भी कटिंग करनी है। उनके एक ही घघरी है जो बताई थी मैंने, एक ही घघरी है और एक का प्लाजो सीलना है। और पहले मैं करूँगी साड़ी को स्टिच, साड़ी को कर लेती हूँ स्टिच, ब्लाउज सिलती हूँ पहले। ये क्या? ये क्या कर रही था? और कल इतनी बारिश हुई ना, पार्लर गए थे जब ऊपर निकली है, ठंड लग रही है अंदर। कल एकदम से बारिश का मौसम, और बारिश का मौसम क्या, बारिश लग पड़ी बहुत ज़ोरों शोरों से बारिश लगी। और आज धूप निकली है, बहुत अच्छी धूप निकली है। दिल कर रहा है यहाँ मंजी लगा के सो जाने, मंजी लगा के लेट जाएं। पर आज कपड़े दो मशीनें हैं ना, वो दो होंगे तो जल्दी हो जाएगी कपड़ों की सिलाई, मारती रहेगी ये मोनिका सीधी सीधी। कपड़े तो सिलती है सीधी सीधी के, कपड़े सिलती है ये, पर वही एक ही छोड़ दिया अपने खुद के कपड़े, वो टेलर से सिलवा रही है। इतनी सिलाई दी, 500 रुपया दिया इसने सूट का। मैं ना सिलाऊँ, मैं कभी ना दूँ 500 रुपया सिलाई का, मैं कभी ना दूँ 500 रुपया। जब खुद सीखे हैं कपड़े तो क्यों देना भाई फ्री का। 500 का कुछ खाए ना, पेट में नहीं डाले। 500 का घूमे नहीं, घूमे फिरे ऐश करे 500 से। 500 की सिलाई बहुत महंगी है सिलाई, 500 तो कम लिया है, इससे ज़्यादा है। लाइनिंग वाला नहीं, विदाउट लाइनिंग था सूट, उसकी 500 ले ली सिलाई। बहुत महंगी है सिलाई आजकल, मैं कभी नहीं सिलाऊँ। अभी सिलूँगी ब्लाउज और साड़ी की स्टिचिंग करती हूँ, देखती हूँ कैसी बनती है, मैं दिखाऊँगी आपको। बस ब्रेकफास्ट हो जाए फिर करते हैं। चलो, धूप निकली बड़ी अच्छी, अभी भी बादल है। पर लाएंगे अभी डिब्बे नहीं लेके आए, शॉपिंग करेंगे डिब्बों की, धीरे धीरे लेंगे ना, क्योंकि अच्छे अच्छे डिब्बे लेंगे किचन के लिए, अच्छे अच्छे से सजाएंगे इसको किचन को। तो चलो करते हैं नाश्ता, आ जाओ आप सभी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हो रहा है नाश्ता, तो आ जाओ आप सब भी नाश्ता कर लो। बाहर इतनी बारिश लगी है, पूछो मत, लगातार बारिश लगी है। और इसके बाद मैं नाश्ता, झटपट से नाश्ता करके हम उसके बाद मैं सिलूंगी कपड़े, पूरा दिन कपड़े ही सिलूंगी, क्योंकि आज मुझे स्टिच करना है एक सूट और ब्लाउज भी सीना है, मुझे सिलना है। तो बस ब्रेकफास्ट हो रहा है, सुबह सुबह ही कर लेंगे हम, और दोपहर को देखेंगे हल्का फुल्का कुछ, क्योंकि आज बारिश है ना, बारिश में दिल नहीं करता है कुछ खाने पीने का, दिल करता है कि सो ही रहे बस। वैसे ब्रेकफास्ट हो गया, खाई चटनी मिर्ची और रोटी के बाद चाय का आनंद ले रही हैं अभी। चाय होगी रोटी के बाद ही, चाय का टेस्ट लगता है ना अच्छा, किस किस को लगता है भाई बताना। मुझे ऐसे नहीं लगती अच्छी चाय, मुझे सिर्फ म्यूजिक लगाना, चाय मुझे सिर्फ रोटी के बाद ही लगती है अच्छी। मैं चाय कम पीती हूँ, चाय यहाँ रीतिका बहुत पीती है चाय, तो बार बार चाय बनाती रहती है, असल में चाय नहीं पीती इतनी। बस एक खा ली अभी रोटी, छुट्टी है अब, दोपहर की नहीं खानी। मुझे चावल नहीं पसंद आते, चावल नहीं अच्छे लगते मुझे। मीठा घट पा दीजिए रितिका है ना, चाय चुनो, मीठा कम डाल रही है चाय में। फ्रेंड्स, मैं कब की बैठी हूँ सूट सिलने, प्लाजो हो गया तैयार, डिनर करके फिर से मैं बैठ गई मशीन में, आपको दिखाती हूँ प्लाजो बैठ गई है। ये देखो ब्लाउज बैठ, या ना हुक लगाऊंगी कल, देखती हूँ है हुक, हुक नहीं है, हुक लगाऊंगी। बाकी हो गया तैयार ये वाली, ये कच्चा किया था मैंने, कच्चा किया उसका है, ये हो गया है बस, ये भी तैयार हो गया है। पहले किया, कल इसकी करूंगी, फोल्ड लगेगा ना पहले, नहीं तो आज ही कर देनी थी मैंने स्टिचिंग इसकी, पर नीचे पहले फोल्ड लगेगा,
हाँ यहाँ ना फोल्ड लगेगा नीचे, फिर इसकी बाद में स्टिचिंग होगी, नहीं तो मैं पहले भी कर देती, पर चुंटे थी ना वो फिर से बड़ी मुश्किल होती, हो तो बाद में भी जाना था, फोल तो बाद में भी लग जाती पर वही कि बड़ा झंझट होता। और प्लाजो दिखाती हूँ, अब मैं प्लाजो बेल्ट वाला सिला, मैंने कहाँ डाला मैंने अभी ये सिला, ये कपड़ा है, कपड़ा ले रखती है ना कन्या, ये वाला है प्लाजो बेल्ट वाला, पीछे इलास्टिक है आगे बेल्ट है। गाइस बस अब मैं ये कमीज भी सिल्की करूँगी, क्योंकि कल के लिए एक और सूट है मेरा वो घगिल वाला, फिर मैं उसको भी तैयार करके कल करूँगी, कल वो हो जाएगा कल सूट मेरा। फिलहाल मैं अभी इसको कर दूँगी, तरपाई नहीं होगी रात को, तो कल तरपूँगी इसकी, और जो सूट है कमीज है और जो घगरी है ना वो लंबी है थोड़ी सी, तो उसको छोटी करूँगी। और मेरा ब्लॉग देख रहे हैं, ये देखो माँ बेटी, ये पढ़ रही है बेटी, बेटी पढ़ रही है, गुड नाइट कर दे, गुड नाइट। तो खाना पीना हो गया, डिनर वगैरह हो गया, फिर से मैं बैठ गई मशीन पे, और अब मैं सिल्की ही सोऊंगी, क्योंकि फिर ना लेट सोऊंगी तो लेट ही उठूंगी फिर मज़े से, है ना, मज़े से उठना, मज़े से उठाना। हाँ ये गंदी लड़की जो है ना ये उठा देती है, हमने इसको बोलो कि नहीं उठाए सुबह सुबह, हमने आज तो लेट उठे, 9 बजे उठे हैं आज, लेट आज बड़े अच्छे। हाँ ये जल्दी उठ गई थी रितिका, हम लेट उठे, मज़े से उठे, क्योंकि आज भी काम में, आज भी काम, कपड़े सिलती सिलते ना बड़ी थकावट होती, तो पीठ में दर्द हो जाता, अब थोड़ी सी कपड़े सिल लेती हूँ, जितने भी सिल दूँगी कर देती हूँ, देख लेती हूँ कितना होता है मेरे से तैयार। पर ये मेरा है, क्योंकि एक और सूट है ना कल, उसको मेहनत लगेगी, जो कल का है ना, कल के लिए जो बचा है उसको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि घगरी जो है बहुत लंबी है, उसको छोटी करनी पड़ेगी। बाल कैसे मुड़ गए ना मेरे, ये देखो मुड़े मुड़े, इसने कटिंग का, मैं यही एंड करती हूँ, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट करते सारे इकट्ठे, गुड नाइट, गुड नाइट, बाय बाय, गुड नाइट, सबको शुभरात्रि, अच्छे से सो जाओ जगह तो आशा करती हूँ आप सबको मेरा ब्लॉग अच्छा लग रहा होगा, तो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो प्यारे प्यारे, और चैनल पे जो न्यू आता है चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस कर दिया करो, और चलो फिर बाय बाय, गुड नाइट, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लव यू ऑल।